दोस्तों तेल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए माइलेज टेस्ट का वीडियो, पल्सर 220F का। तो ये बहुत दिनों से मेरे जो व्यूअर्स है वो रिक्वेस्ट किया था कि माइलेज जो टेस्ट है इसका वीडियो लाओ वीडियो लाओ। तो मैंने बहुत कोशिश किया और उसके बाद मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया। तो दोस्तों, तो ये हाफ लीटर पेट्रोल की बोतल है जो मैं टैंकी पे डाल रहा हूँ, और इस वीडियो को मैंने बहुत छोटा रखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये करीबन 8 मिनट तक जो वीडियो बन गया है। तो इससे छोटा मैंने करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारा डिटेल जो है वो छूट सकता है, इसीलिए मैंने इससे ज़्यादा और कट नहीं कर पाया हूँ। तो दोस्तों देख लो ये पूरा वीडियो, और आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और दोस्तों, मेरी ये बाइक 2019 ABS वर्शन है, तो बिल्कुल एकदम नया। तो आप लोगों को भी अंदाज़ हो जाएगा कि ये जो 2019 वाला वर्शन है इसमें 220F का माइलेज कितना देता है। सभी का मन में यही ख्याल, यही क्वेश्चन आता है कि कितना देता है कितना देता है। तो आज वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो पेट्रोल डालने के बाद मैंने बाइक को फिर से कर दिया है ऑन, और बाइक को थोड़ा सा हिला रहा हूँ ताकि जो पेट्रोल है वो पूरी तरीके से कार्बोरेटर तक आ जाए। तो फ्रेंड्स, बाइक ऑन हो चुका है और आप देखते हैं कि ये हाफ लीटर पेट्रोल में कितना जाता है। तो चलिए, और ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, सीधा देख लेते हैं कि माइलेज।
दोस्तों बाइक अभी बहुत ही ज़्यादा झटके ले रहा है। तो बाइक जो है काफ़ी झटके दे रहा है और ये बहुत ही स्लो हो गया है और जो है अभी कुछ ही देर में ये रुकने ही वाला है। कुछ ही सेकंड की बस मामला है, उसके बाद ये बाइक रुकने ही वाला है। तो फ्रेंड्स बाइक पूरा रुक गया है और अभी चेक कर लेते हैं कि ये कितनी दूर तक चला है। तो दोस्तों ये 875.2 किलोमीटर तक चला है। तो फ्रेंड्स मैंने पल्सर 220 का माइलेज टेस्ट करने के लिए ट्रिप वन पे सेट किया था जो किलोमीटर है, और उस वक्त जब पेट्रोल ख़त्म हो गया था तब जो किलोमीटर दिखा रहा था वो था 857.6 किलोमीटर, और अब ये बाइक जब रुका है तो इसका जो किलोमीटर है वो दिखा रहा है 875.2 किलोमीटर। तो टोटल 18 किलोमीटर के करीब चला है ये बाइक हाफ लीटर पेट्रोल में। तो दोस्तों हाफ लीटर पेट्रोल में ये अगर इतना चलता है तो एक लीटर पेट्रोल में इसका डबल चलेगा। तो दोस्तों माइलेज टेस्ट की बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही पीक आप देख लो, आपको भी समझ लग जाएगा कि ये कितना माइलेज देता है। और बाइक को मैंने रैंडमली चलाया है 40 से 80 के बीच में, तो रेस भी किया है तो मेरे को ये माइलेज मिला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।